नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनर उमेद सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताने वाले हैं और बहुत आसानी से वो आप अपने गार्डन में कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि तेज आंधी से, बारिश से, ओला वगैरह पड़ने से हमारे टमाटर के जो पौधे हैं वो टूट जाते हैं, नुकसान हो जाता है। किसी ब्रांच के ऊपर ओला लग गया या ज़्यादा तेज आंधी है, बारिश में वजन पत्तों पर ज़्यादा बढ़ने से ब्रांचेज टूट जाती हैं, तो उसका हमें बहुत दुख होता है कि भाई हमारा पौधा टूट गया। तो आपको अब इतना तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल सा आइडिया बताने वाला हूँ। देखिए, ये सकर्स हैं, ये हमारे प्लांट के सकर्स हैं। आप ये इस तरह से, अभी मैं दो ही काट के दिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा भी ले सकते हो आप। ये जो साइड में जो जितने भी सकर्स हैं आप इनको तोड़ के और इनसे आप बड़े पौधे भी दोबारा से तैयार कर सकते हो। ये जो इसके साइड के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से काट देने चाहिए, ताकि इसमें अभी जड़े नहीं हैं, इसलिए इसको ज़्यादा भोजन की सप्लाई हो नहीं पाएगी। इसलिए इन सकर्स के जो नीचे के जो पत्ते हैं उनको काट देना चाहिए। और सकर्स को काटने से पहले ये ज़रूर ध्यान रख लें कि उसके अंदर एक दो, ये जहाँ से आपने पत्ता काटा है उसके आसपास से ही आपको ब्रांच से नीचे से काटनी है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो यहाँ से निकल आएंगे। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत थोड़ा फ़ोन को नज़दीक करना बेटा। इसमें ये रोएँ हैं पूरी डंडी के ऊपर, टमाटर की पूरी इस सकर के ऊपर रोएँ हैं बहुत बारीक बारीक, और अगर आप उसको मिट्टी में दबा दोगे तो ये सारे के सारे जड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके ऊपर पूरी ब्रांच के ऊपर जो आपको बहुत बारीक बारीक रोए हैं दिखाई दे रहे, मिट्टी में दबाने के 3-4-5 दिन के बाद ही इसमें जड़ें पनप जाएंगे और आप इससे एक नया पौधा तैयार कर सकते हो। उसका प्रोसीजर मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये सकर्स हमने ले लिए हैं और ये हमने अपने पेपर कप ले लिए हैं, उसके अंदर आप इस तरह से इसको दबा दें। गोबर की खाद वाली मिट्टी आप ले लें। ये सकर्स आपने लगा दिए हैं, ये समझ लीजिए आपके दो पौधे तैयार हो गए। 4-5 दिन के लिए आप इसको शेड में रख दें, पूरा धूप में रखने की ज़रूरत नहीं, हल्का फुल्का इसको सुबह शाम धूप लगवाना चाहे तो आप लगवा सकते हो, नहीं तो 4-5 दिन के लिए आप इसको पूरा शेड में भी रख सकते हो। जब इसमें जड़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो इसमें नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, और नए पत्ते आने का मतलब ये है कि आपके इस सैपलिंग की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ग्रोथ शुरू होने के बाद आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। जब तक इसमें नए पत्ते नहीं आए तब तक इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, हल्का सा इसके अंदर सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पानी डालने से इसकी जो स्टेम है वो गल सकती है, क्योंकि इसमें जड़ें नहीं बनी है, और अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो इसकी जो तना है वो गल जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी, आपकी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी उसमें। इसलिए इसके अंदर सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है आपको, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ये बारिश की वजह से मिट्टी गिल्ली है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, ये हमने इसमें सीधा लगा दिया। ये ज़रूर ध्यान रख लें कि मिट्टी के अंदर एयर पॉकेट्स ना बने, उसको थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से दबा दें ताकि एयर पॉकेट कहीं भी है वो सेट हो जाए और बुलबुले जो है वो निकल जाए। या थोड़ा सा एक बार पानी डाल के इसको वापस आप ड्रेन कर सकते हो इस तरह से, उससे जो है पानी भी ज़्यादा निकल नहीं रहेगा इसके अंदर, और आप चाहें तो एक एक इसके अंदर होल भी कर सकते हो इस तरह से। एक होल आपने इसमें कर दिया, ज़्यादा पानी अगर आप कहें तो वो नीचे निकल जाएगा। इसी तरह से आप इसके अंदर एक होल इसमें कर दीजिए। ये देखिए, ये हमने एक एक गोल दोनों में कर दिया है। अब अगर थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर गलती से डल गया तो वो निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए आप इसको अपने किसी भी बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, और यकीन मानिए जितना आपका बड़ा टमाटर ग्रोथ मतलब पूरा बड़ा होने के बाद जितना फल देता है उतना ही फल ये भी देगा, और लेट तक फल देगा। इसको आप जनवरी में लगा सकते हो, फरवरी में लगा सकते हो, या जिस टाइम हमारा गर्मी का सीज़न आना शुरू हो जाता है
उस टाइम अगर आपके पास हेल्दी सकर्स हो तो आप उस हेल्दी सकर्स को भी कट करके नए पौधे तैयार कर सकते हो, वो आपका मई जून तक भी फ्रूटिंग आपको दे सकता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।